तो लॉकडाउन 2 के ऐलान के बाद मुंबई में अप्रवासियों के बीच जैसी अफरा तफरी देखी गई, इसके बाद देश भर में हड़कंप मच गया। इस मामले में सियासत भी चरम पर है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संबोधित करते हुए कहा, जब उत्तराखंड में फंसे हजारों गुजरातियों को अहमदाबाद ले जाया जा सकता है तो गरीब बिहारियों के लिए भी कोई रास्ता निकालिए। तो ये दरअसल आपको कल की तस्वीर दिखा रहे हैं मुंबई के बांद्रा स्टेशन की, जिस वक्त हड़कंप मच गया था ये तस्वीरें देखने के बाद, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का तो यहां पर बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा। दरअसल एक अफवाह फैलाई गई थी कि यहां से जो है एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जिसके बाद भारी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे, जिसके ऊपर अब सियासत जमकर हो रही है। दिल्ली से यूपी और बिहार में लाखों मजदूर आए, क्या उनमें से कोई एक भी पॉजिटिव केस मिला? आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि सभी को अपने प्रदेश वापस बुलाएं और उनको क्वारंटाइन करिए, लेकिन बुलाएं। मुंबई और कोटा में प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई। बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि जब पीएम ने कहा है कि जो जहां है वहीं रुके, तो फिर महाराष्ट्र और राजस्थान में जो हुआ वो क्यों हुआ? दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा कि संकट के समय में बेकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। चाई बताया गया, देश में संघीय ढांचा है। बिहार के पटना में, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के, गुजरात के में जो रहने वाले लोग जो यहाँ रह गए, तो उन लोगों को तो कोई परेशानी नहीं हो रही है। राज्य सरकार हर संभव मदद कर रही है। तो भाई, आपके यहाँ काम अगर कर रहे हैं, आपके यहाँ रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे, चाहे वह कोटा का मामला हो या मुंबई का मामला हो, राज्य सरकारों को प्राथमिकता के आधार पर वह मानव पूंजी है, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स है, कम से कम उनके हित की रक्षा आपका प्राथमिक दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है। कोरोना वायरस को लेकर न सिर्फ कोटा राजस्थान बल्कि महाराष्ट्र की भी ऐसी खबरें आ रही हैं जहां बड़ी संख्या में प्रवासी लोग एकाएक किसी अपवाह के चलते भागम भाग की स्थिति में आ गए। और बीजेपी तो इस इंतजार में रहती है, उसने तरह तरह राजनीतिक आरोप लगाने शुरू कर दिए। भारतीय जनता पार्टी को मैं आगाह करना चाहता हूं कि महामारी संक्रमण के स्थिति में राजनीति करने से बाज आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो भी लोग जहां हैं वहीं रहें, सुरक्षित रहें। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके रहने के, भोजन के और सुरक्षा की चिंता करें। जो महाराष्ट्र और राजस्थान में सुनने में आ रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कौन लोग हैं जो अफवाह उड़ा रहे हैं, और ये किस पार्टी के लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो रेलवे स्टेशन के बाहर प्रोवोकेशन कर रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि इस विपदा की घड़ी में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? बिहार में 57 विदेशी जमातियों को जेल भेजा गया। इनमें किशनगंज से 11, अररिया से 18, बक्सर से 11 और पटना के 17 विदेशी